वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए एग्ज़ाम से संबंधित निबंध लिखने का तरीका बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से किसी भी निबंध को लिखा जाता है। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी औपचारिक, अनौपचारिक पत्र और सभी तरह के निबंध मिल जाएंगे। आप इन निबंधों को निबंध के तौर पर भी लिख सकते हो, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट फाइल में भी लिख सकते हो। तो सभी बच्चे वीडियो को स्किप हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड निबंध आपसे पूछा जा सकता है। तो हर टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपका जानना निहायत ही ज़रूरी है, इसलिए पूरी ही वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। इससे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, हिंदी की वर्ड पावर भी बढ़ेगी और एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी। अब जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं, एग्ज़ाम में जब कभी कोई भी निबंध लिखने के लिए आता है तो साइड में कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको निबंध लिखना होता है। तो पहला पॉइंट दिया गया है कि होली का त्यौहार कब मनाया जाता है, इस बात को लिखो। सेकंड पॉइंट में होलिका की पौराणिक कथा के बारे में लिखो कि होलिका की पौराणिक कहानी क्या थी। फिर कृषि प्रधान देश में फसलों का पकना, क्योंकि होली का त्यौहार कृषि से संबंधित भी त्यौहार है। फिर रात्रि को होलिका का दहन किस तरह से किया जाता है, क्या रीति रिवाज होते हैं, उस बात को बताना। फिर अगले दिन रंगों से खेले जाने के त्यौहार के बारे में बताओगे कि क्यों खेला जाता है। फिर मौज मस्ती के वातावरण को लिखोगे अपने शब्दों में। फिर बताओगे भाईचारे की भावना इससे कैसे खुलकर सामने आती है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इससे रिलेटेड सभी ज्ञान को मैं यहाँ पर पढ़कर बताऊँगी, सभी वर्ड मीनिंग भी बताऊँगी। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। होली का त्यौहार फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। याद रखोगे, फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस समय ऋतुराज यानी कि कुदरत वसंत का स्वागत करने के लिए प्रकृति अपनी सुंदरता उड़ेल देती है। वसंत मौसम का नाम है, तो इस समय कुदरत यानी कि ऋतुराज वसंत के मौसम का स्वागत करने के लिए प्रकृति अपनी सुंदरता उड़ेल देती है। भोरों का गान और कोकिल यानी कि कोयल की मधुर तान मन को मोह लेती है, मन को बहुत अच्छी लगती है। कहा जाता है कि राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप, स्पेलिंग यहाँ से देख लेना, हिरण्यकश्यप बड़ा बलवान और अत्याचारी राजा था। उसके राज्य में ईश्वर का नाम लेना भी पाप गुनाह समझा जाता था, लेकिन हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर का पक्का भक्त निकला। उसने ईश्वर का नाम लेना नहीं छोड़ा। अगले पैरा में लिखोगे, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद यानी कि अपने बेटे को मारने की अनेक उपाय किए, लेकिन प्रहलाद ईश्वर की कृपा से बचता गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद होलिका के साथ अग्नि में प्रवेश कर गया। ईश्वर की महिमा भी वचित्र है, प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। इसी पावन घटना की स्मृति में यानी कि इसी पावन घटना की याद में प्रतिवर्ष रात को होली जलाई जाती है। ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। याद रखोगे, ये त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का त्यौहार मनाने का एक और भी कारण है, एक और भी रीज़न है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। फरवरी और मार्च के महीने में गेहूं और चने के दाने अत पक्के हो जाते हैं। इनको देखकर किसान खुशी से झूम उठता है। अग्नि देवता को प्रसन्न करने के लिए वे गेहूं के बालों को यानी कि गेहूं के अत कच्चे पौधों को अग्नि में डालता है, अग्नि में आहुति देता है, बलि देता है। इस त्यौहार की चहल पहल बड़ी निराली है। बालक बालिकाएँ लड़कियाँ एवं उपलों का ढेर इकट्ठा करते हैं। रात्रि में लकड़ियों और उपलों के इस ढेर में आग लगा दी जाती है। लोग खुशी से चारों तरफ झूम झूम कर नाचते और गाते हैं और नई फसल से प्राप्त अन्न को भूनकर सब लोग खाते हैं। याद रहेगा, नई फसल से जो अन्न प्राप्त होता है उसे इस आग में भूनकर खाते हैं। होली के अगले दिन दुल्हनी होती है। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक समस्त नर नारी, क्या बूढ़ा क्या जवान, सब भाग खेलने में मस्त होते हैं। इस दिन निर्धन और धनी का, विद्वान और मूर्ख का भेद समाप्त हो जाता है। सब लोग एक दूसरे के ऊपर गुलाल छिड़कते हैं
और अबीर लगाते हैं। रंग भरी पिचकारियों से ये धरती रंगीन हो जाती है। सड़कों पर अलमस्त युवकों और वृद्धों की टोलियां नाचती हैं, गाती हैं और गुलाल मलती हुई दिखाई देती हैं। युवकों का ये हुड़दंग उल्लास प्रदान करने वाला होता है। वस्तुतः होली एक पर्व ही नहीं अपितु एक पुण्य पर्व है। इस सेंटेंस को ज़रूर लिखना, अच्छे सेंटेंस लिखने ज़रूरी होते हैं ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। वस्तुतः होली एक पर्व ही नहीं अपितु एक पुण्य पर्व भी है, यानी कि नेकी का त्यौहार भी है। इस दिन एक और जहां लोगों के मन में अपार हर्ष उमड़ता है, वहीं दुश्मन भी बिना वैर विरोध तथा भेदभाव छोड़कर गले मिलते हैं। अपनी गलतियों को भुलाकर वे पुनः मित्र बन जाते हैं। होली का पर्व उल्लास पैदा करने वाला है, इसलिए इसे उल्लासपूर्वक ही मनाना चाहिए। आजकल बहुत से लोग तारकोल, गंदी नाली का पानी तथा कीचड़ राह चलते लोगों पर उछालते हैं, जिसे कोई सभी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप स्थान स्थान पर झगड़े भी हो जाते हैं। कुछ लोग इस दिन शराब पीते हैं और गंदी चेष्टाएं करते हैं। इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों से होली की पवित्रता कम होती है। हमें शिष्ट ढंग से होली का त्यौहार मनाना चाहिए, यानी कि अच्छे ढंग से, गलत बातें नहीं करनी चाहिए। पिछली होली तो मुझे सदैव स्मरण रहेगी, याद रहेगी, मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। होली वाले दिन हमारे मोहल्ले के सभी बच्चे, बूढ़े जवान, स्त्री तथा पुरुष पार्क में एकत्र हुए, एक दूसरे को बढ़िया किस्म का गुलाल लगाया, ढोल की ताल पर नृत्य किया तथा परस्पर गले मिले। नहाने धोने के पश्चात सबने एक साथ पंक्तियों में बैठकर सहभोज का आनंद लिया। ये होली हमने पूर्ण सादगी, सौहार्द तथा निष्ठा से मनाई। ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। तो मैंने यहाँ पर आपको होली से रिलेटेड जितनी भी पौराणिक बातें हैं, जितनी भी कथाएं हैं, जो जो ज़रूरी सेंटेंस है, उन सब का मीनिंग सब कुछ अच्छे से पढ़कर बता दिया है। एक दो बार रिपीट करके देख लेना तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा।